आईआरसीटीसी होटल घोटाले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले में आरोपी तेजस्वी यादव, प्रेम गुप्ता और उनकी पत्नी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में सीबीआई और ईडी के वकीलों की दलीलों से तेजस्वी के चेहरे पर बेचैनी दिखी। खबर यह भी है कि करीब डेढ़ घंटे की सुनवाई के दौरान तेजस्वी चार बार वॉशरूम गए। कोर्ट में तेजस्वी यादव के वकीलों की दलील थी कि आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई का फैसला आने तक ईडी के केस के ट्रायल पर रोक लगाई जाए। बहस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और 23 जुलाई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।